लेने से पहले इसराइल ना तो हिचक रहा है और ना ही उसे अंजाम की फिक्र है। फिलिस्तीन ने इसराइल के खिलाफ एक कदम उठाया, लेकिन इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। सबसे ताजा मामले में इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने पुलिस को सभी सार्वजनिक स्थलों से फिलिस्तीनी झंडे हटाने का आदेश दे दिया है। इजरायली मंत्री इतमार बेन गिविर ने कहा है कि फिलिस्तीनी झंडा दिखाना आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। इजरायल की पुलिस से कहा गया है कि वो देश के किसी भी हिस्से में फिलिस्तीनी झंडे को ना लगने दे। अगर कोई फिलिस्तीनी झंडा लगाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। आपको बता दें कि इजरायल के कई हिस्सों में अरब मूल के लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं। अरब मूल के ये लोग कई बार इजरायल में सार्वजनिक स्थानों पर फिलिस्तीन के झंडे लगा देते हैं, लेकिन अब इजरायली मंत्री बेन गिविर ने पुलिस से साफ कह दिया है कि फिलिस्तीनी झंडे किसी भी कीमत पर नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि इनसे यहूदियों की भावनाएं आहत होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते लंबे समय से सजा काट रहे एक फिलिस्तीनी कैदी की रिहाई के बाद उत्तरी इसराइल में उसके गांव को लाल हरे